Good morning. Welcome to my YouTube channel. This is Shreyas Badiye with Modern Indian History Lecture Series. So we are here for lecture number 19, that is Conquest of Sindh. So we have already completed Advent of Europeans, Carnatic Wars, Battle of Plassey, Battle of Buxar, Anglo-Mysore Wars, Anglo-Maratha War, Subsidiary Ally, Dual Government. It's time to study this part of India. This part. So this part we have already studied. This part also we have studied. This part and this part was also covered. And now, so all these parts are covered. And now it's time for this part. So this video lecture is about the Sindh, conquest of Sindh. So if you have any doubt, you can ask me on Instagram. My Instagram ID is Shreyas Badiye, the peace lover, as given here. And those who want modern Indian history playlist, so they can click here on this link. And if you want Indian polity playlist, then click on this link. So अब हम conquest of Sindh पढ़ने वाले हैं. अब हम देखने वाले हैं कि ब्रिटिश ने इतना सारा रीजन तो जीत लिया. ब्रिटिश ये रीजन क्यों जीतना चाह रहे थे? ऐसा क्या था इस रीजन में कि जो ब्रिटिश थे वो चाह रहे थे कि ये रीजन उनको मिल जाए? ये पूरी हिस्ट्री अब हम देखने वाले हैं. उसके साथ साथ ये रीजन जब इंडिया ब्रिटिश को मिल जाएगा, फिर ये रीजन भी ब्रिटिश को मिल जाएगा. सिंध, सिख, एंग्लो सिख वॉर जो हम आगे स्टडी करने वाले हैं. सो ये सब रीजन अभी हमको स्टडी करना है. और इस तरह से इंडिया पूरा जो है ये ब्रिटिश के ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल जाएगा एक टाइम बाद. सो यहाँ तक हमको पूरा यहाँ हिस्ट्री को अभी फिलहाल कवर करना है ईस्ट इंडिया कंपनी को. तो अब हम इस एरिया को पढ़ रहे हैं जो कि है सिंध. इसको मैप में अच्छे से देख लीजिएगा. ओके, तो मैं बाकी जितने भी एरियाज के ऊपर मार्क किया इन सबको मैं रब कर रहा हूँ. आप देख लीजिए वो एरिया जो है ये है सिंध का एरिया. ओके, सो ये सिंध का जो एरिया है इसमें अभी ब्रिटिश अपना रूल करना चाह. अब हम जब स्टार्ट करते हैं तो हमको सबसे पहले देखना पड़ता है कि ये जो रीजन था ये रीजन के ऊपर किसका रूल हुआ और किस तरह से रीजन चला. ये जो सिंध का रीजन था इसलिए हम सबसे पहले जिनको स्टडी करते हैं वो होते हैं तालपुर आमिर. अब मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि ये जो तालपुर आमिर थे ये जो किंगडम था इन्होंने इस सिंध पे रूल किया था. बट इनका रूल शुरू होने के पहले 18th सेंचुरी की बात है. तो यहाँ पे कलोरा चीफ्स जो थे कलोरा लोग यहाँ पे रूल करते थे. तो कलोरा चीफ्स जो है इट वॉज सिंध वॉज रूल्ड बाय कलोरा चीफ्स प्रायर टू द रूल ऑफ तालपुर आमिर. तो तालपुर आमिर जब हम पढ़ते हैं उसके पहले हमको ये देखना पड़ता है कि किन्होंने रूल किया था. तो यहाँ रूल जिन्होंने जो करते थे उनका नाम था कलोरा चिप्स. तो कलोरा चिप्स कैसे गए कैसे नहीं है सबसे पहले देखना है हमको. तो यहाँ देखते हैं सबसे पहले 1758 में क्या हुआ. तो एक थट्टा करके जगह है. थट्टा एक जगह है जिसमें ब्रिटिश ने फैक्ट्री बनाया. अब आप जैसे कि मैं आपको स्टार्टिंग से बता रहा हूँ कि जो ब्रिटिश है ये एज अ ट्रेडर इंडिया में आए थे. उनको ट्रेडिंग करना था इसीलिए वो फैक्ट्रीज बनाते थे. फैक्ट्रीज का मतलब होता है जहाँ से ट्रेडिंग चलती है वो जगह. ये सब मैं आपको प्रीवियस वीडियोज में बता चुका हूँ. सो यहाँ मुझे वो सब एक्सप्लेन करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है. सो ये लोग यहाँ पर फैक्ट्रीज बनाए ब्रिटिश ने. थट्टा नाम की जगह है वहाँ पर. और वहाँ से एक परवाना लिया. जिस तरह से वो परमिशन लेते थे उसको परवाना कहते थे. सो यहाँ परवाना लिया गया. जैसे आप देखते हो कि एक परमिट होता है परवाना, यानी जो वहाँ का जो रूलर है इस एरिया का रूलर वो देगा. अगर आप यहाँ पे कभी फैक्ट्री बनाना चाहते हो आपकी ट्रेडिंग के लिए तो यहाँ पे कलोरा चीफ जो है वो यहाँ पे अगर रूल करे तो आपको कलोरा चीफ से यहाँ पे एक परमिशन लेना पड़ता है कि आप व्यापार करना चाहते हैं आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं. तो ये ऐसा एक परवाना लिया गया था कलोरा चीफ से. तो कलोरा चीफ जो थे उनका नाम था गुलाम शाह. गुलाम शाह से ये लिया गया. और फिर 1761 की बात है कि इंग्लिश के रेसिडेंट जो थे इंग्लिश रेसिडेंट थे वो आए थे कोर्ट ऑफ गुलाम शाह. ठीक है, सो अराइव्ड इन द कोर्ट ऑफ गुलाम शाह. गुलाम शाह के दरबार में आते हैं और जो पहले वाली ट्रीटी है उसमें कुछ चेंजेस करने के प्रोविजंस लेके आते हैं, कुछ ऑफर लेके आते हैं 1761 में. जैसे कि आप देखते हो कि कलोरा चीफ को भी ये पता था कि ब्रिटिश जो है ये बहुत पावरफुल है. अगर उनकी चीज़ें नहीं अगर मानी गई ज़्यादा तो वो अटैक भी कर सकते हैं. तो ये चीज़ें एक्सेप्ट करना पड़ता था. तो 1761 में ऐसी एक ब्रिटिश रेसिडेंट आए और वो गुलाम शाह के दरबार में रुके. जैसे कि हमने पहले देखा था कि जो पहले ब्रिटिश आए थे वो किसके दरबार में आए थे आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है. और कब आए थे ये भी लिखना है. और कौन थे वो जो आए थे वो भी लिखना है. तो उसी तरह यहाँ पर गुलाम शाह
के दरबार में उनके कोर्ट में आते हैं एक इंग्लिश रेसिडेंट और वो ये कहते हैं कि पहले की जो ट्रीटी थी उससे आपने हमको परवाना दिया था, हमको वो ट्रीटी बहुत अच्छी लगी, हम लोगों ने व्यापार शुरू किया आपके यहाँ, बट अब हम कुछ और चाह रहे हैं, अब हमारी ये इच्छा है कि आप बाकी जो यूरोपियंस है उनको सिंध में जगह ना दे, व्यापार करने के लिए उनको पावर ना दे, राइट ना दे सिंध में, क्योंकि देखिए पहले से कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा थे, ब्रिटिश नहीं चाहते थे कि ये जगह पर कोई और यूरोपियन आके रुके, तो उनका ट्रेड जो है अच्छे से चले, इसलिए ब्रिटिश चाहते थे कि उन सिर्फ बाकी जो यूरोपियन से उनको यहाँ से एक्सक्लूड किया जाए। उसके बाद 1775 की बात है, जो सरफराज खान थे, एक सरफराज खान नाम के व्यक्ति थे, वो जो कलोरा चीफ के ही थे, तो कलोरा चीफ थे सरफराज खान, उनको ब्रिटिश की ये चीज़ें पसंद नहीं आई थी, तो उन्होंने ठीक है ये जो भी चीज़ें यहाँ पे मिली थी ब्रिटिश को, उन्होंने 1775 में ब्रिटिश को ये कहा था कि आप अपनी फैक्ट्री जितनी भी है ये क्लोज कर दे, और ब्रिटिश को यहाँ पे क्लोज करके चले जाना पड़ा, क्योंकि ब्रिटिश यहाँ पे बहुत ज़्यादा पावरफुल नहीं थे, और ब्रिटिश के पास उस वक्त ये सब रीजन्स नहीं थे, ये रीजन्स नहीं थे ये सब नहीं होने के कारण ब्रिटिश सिंध पे डायरेक्टली अटैक नहीं कर सकते थे, ब्रिटिश को पहले यहाँ पे सेटल होना था, उसके बाद ब्रिटिश यहाँ आने वाले थे, ब्रिटिश शांति से यहाँ से निकल गए, और यहाँ पे सरफराज खान ने इंग्लिश को क्लोज करने के लिए कहा उनके फैक्ट्रीज 1775 में, और इस तरह से ब्रिटिश उस वक्त वापस लौट चुके थे। अब हम और आगे बढ़ते हैं, अब हमें देखना है कि तालपुरा, अब तक हम देख रहे थे कलोरा चीफ लोगों का क्या क्या हुआ उनके वक्त, अब देखते हैं तालपुरा किस तरह से है। तो 1770s की बात है, जब एक बलूच ट्राइप है, बलूच यानी इस एरिया में आता है, यहाँ पे आसपास आता है बलूचिस्तान का एरिया, सो ये जो एरिया होता है बलूचिस्तान, यहाँ से एक ट्राइब आई थी, सो ये रीजन जो है यहाँ से एक ट्राइब आती है सिंध के तरफ, तो यहाँ बलूच जो है ये एक ट्राइब है, बलूच ट्राइब जिसको तालपुरा कहते थे, तालपुरा जो ट्राइब थी ये हिल्स से आई थी, अब ऊपर जो हिल्स है यहाँ से वो सिंध के तरफ आते हैं, और सिंध के तरफ आके वो सिंध के प्लेन्स में आके सेटल हो जाते हैं, ठीक है, तो हिल्स से आए और प्लेन्स की सबको ही जरूरत होती है आखिरकार सेटल होने की, और वो सिंध के प्लेन्स में आके सेटल हो जाते हैं। सेटल होने के बाद देखते हैं 1783 में जो तालपुरा थे वो उनके लीडर थे मीर फतेह अली खान, मीर फतेह अली खान जो लीडर थे उन्होंने कंप्लीट होल्ड ले लिया सिंध के ऊपर धीरे धीरे अटैक कर करके, जैसे कि आप देखोगे तो तालपुरा जो थे वो ब्रेव सोल्जर्स, वो काफी टफ सोल्जर्स थे, और दूसरी बात अगर आप देखोगे उनकी तो उनकी वो पहाड़ पे रहने वाले लोग थे, सो जितनी भी हार्ड लाइफ है उसकी उनको आदत थी, तो उनको ये सब चीज़ें बहुत सिंपल लग रही थी कि आप प्लेन्स में आके रहेंगे या प्लेन वालों को डिफीट करेंगे, क्योंकि पहाड़ पे उनकी ट्रेनिंग भी उस तरह से होती थी, तो वो पहाड़ से आए थे तो वो काफ़ी ब्रेव सोल्जर्स थे, उसके साथ साथ एक्सेलेंट सोल्जर्स थे, उसके साथ साथ उनकी जो लाइफ थी वो हार्ड लाइफ अडॉप्ट कर चुके थे, तो कहीं भी रह सकते थे। सो मीर फतेह अली खान जो थे उन्होंने धीरे धीरे पूरा सिंध जीत लिया, यहाँ से जो कलोरा चीफ थे उनको बाहर कर दिया, उनको हरा दिया, और यहाँ पे कलोरा चीफ को एक्साइल में भेज दिया, उन्होंने कलोरा चीफ जो है उनको कैद कर लिया और खुद वहाँ पे रूल करना शुरू कर देते। सो एक बलूच ट्राइब थी जिसका नाम है तालपुरा आमिर, जो बलूचिस्तान इस रीजन से आई थी सिंध की तरफ, ये आपको अभी पता चल चुका है। तो यहाँ पे एक दुरानी मोनार्क थे जिनके अंडर ये एरिया आते थे, वो दुरानी मोनार्क कहते हैं उनको, तो दुरानी मोनार्क जो थे उन्होंने ये कहा कि मीर फतेह अली खान साहब आपने बहुत खूब काम किया, बहुत अच्छा काम किया कि आपने यानी आप तारीफ काबिल हो, आपकी सॉरी काबिल तारीफ हो, तारीफ के काबिल हो या फिर काबिल तारीफ हो ये बराबर होगा, सो आप हो। सो मीर फतेह खान जो थे उनको उन्होंने ये कहा दुरानी मोनार्क ने कि ठीक है आपने ये जीत लिया, हमें काफ़ी अच्छा लगा, हम सब साथ में मिलके काम करेंगे, अब आप भी हमारे तरफ के इन लोग हो, सो हम साथ में मिलके काम करेंगे, तो उन्होंने ये कहा कि आप अपनी कंट्री जो है वो हमारे साथ शेयर कीजिए, सो हमारे चार भाई उन सबके साथ शेयर कीजिए, और चार भाई को यहाँ चार यार कहा जाता था, सो ये जो चार यार थे उनके साथ यहाँ पे शेयर करना शुरू कर दिया सिंध एरिया को, जो कि दुरानी मोनार्क के चार भाई थे। सो यहाँ पे ये सब होने लगा तो अब हम देखते हैं कि इस तरह से अगर आप देखोगे तो 1800 में मीर फतेह जब है, जब इनकी डेथ हो गई, तो ये जो चार यार थे, चार यानी यारों ने इस सिंध को चार पार्ट में बांट लिया, और सिंध जो है ये बढ़ गया चार रीजन में। सो इस तरह से ये सब हुआ, ये सब हिस्ट्री हुई 1800 में, मीर फतेह खान की डेथ हो गई और चार यार डिवाइडेड द किंगडम अमंग देम सेल्व्स, है ना, तो यहाँ पे आप देखोगे तो, और वो खुद को आमिर कहने लगे, इसीलिए आप यहाँ देखते हैं तो तालपुरा जो थे, ये तालपुरा आप देखोगे तो ये बलूच ट्राइब थी जो यहाँ से आई थी, और ये जो चार भाई थे इनको आमिर्स कहा जाता था, आमिर्स यानी लॉर्ड्स ऑफ सिंध के जो है वो लॉर्ड मानते थे खुद को, तो ये चार भाई, क्योंकि एक तरफ से आप देखोगे तो ये दुरानी मोनार्क के लोग थे, तो इसीलिए ये खुद को लॉर्ड ऑफ सिंध या फिर द आमिर्स ऐसे कहते थे। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो दे कॉन्कर्ड अमरकोट फ्रॉम राजा ऑफ जोधपुर,
फतेहपुर से उन्होंने अमरकोट ले लिया। अब यहाँ पे नीचे नीचे ये लोग आने लगे और यहाँ के जितने भी रीजन थे ये भी वो हासिल करने लगे। अब यहाँ पे जब आजू बाजू के रीजन हासिल कर रहे थे तो उसमें उन्होंने अमरकोट जीत लिया, राजा ऑफ जोधपुर से कराची जीत लिया, चीफ ऑफ लुत से। तो ये सब जितने भी रीजन है ना, आपको मैप अपने साथ रखने, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, मैप पे आपको ये मार्क करते हुए चलने। ये जो टॉपिक है ना, ये काफी टफ टॉपिक है। अगर आप अकेले बैठ के ये कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध अगर पढ़ते हो तो इट इज अ बोरिंग टॉपिक और ये समझने में काफी टाइम लगता है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है ये एक तरह से देखा गया तो। सो यहाँ पे अगर देखो तो कराची उन्होंने जीत लिया फ्रॉम चीफ ऑफ लुत, और शैकरपुर जो और बुक्कार जो है ये अफगान से जीत लिया। इस तरह से उन्होंने आजू बाजू के काफी सारे रीजन जीत लिए थे। ये पूरे रीजन आपको मैप पे मार्क करने आज आज। सो ये आपको करना है वीडियो देखते देखते। उसके बाद मैं आपको ये बता दूं कि अब ये मीर फतेह से निकल के ये जो सिंध एरिया था, यानी आप देखोगे तो तालपुरा जो थे उनसे निकल के अब ये चले गया था आमिर्स के हाथ में। पहले यहाँ पे कलोर चीफ थे, कलोर के बाद ये जाता है तालपुराज के पास, उसके बाद ये आता है आमिर्स के पास। अब आगे अगर हम देखते हैं तो इन द लेट 18th सेंचुरी नेपोलियन जो थे, अब यहाँ पे थोड़ा सा हमको अभी थोड़ी सी और हिस्ट्री देखना पड़ेगा। हमने टीपू सुल्तान पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, टीपू सुल्तान वाला पार्ट, तो यहाँ पे हमको फिर से वहाँ आना पड़ेगा। मैं जैसे कि आपको कहा बता चुका हूँ कि 18th सेंचुरी के वक्त नेपोलियन जो है वो टीपू सुल्तान के साथ मिलके इंडिया इन्वेड करने की कोशिश कर रहे थे। तो टीपू सुल्तान जो है उनके साथ वो अलायंस बनाने की कोशिश कर रहे थे। ये मैं ऑलरेडी आपको एंग्लो मैसूर वॉर में बता चुका हूँ। आपको बताना है मैं कौन से एंग्लो मैसूर वॉर में बता चुका हूँ ये बात, तो आपको ये कमेंट सेक्शन में लिखना है। उसके बाद 1799 में अगर देखोगे तो एक अलायंस बना था फ्रेंच, टीपू सुल्तान और शाहजमन का। शाहजमन जो थे ये काबुल मोनार्क थे, इन तीनों ने मिलके एक अलायंस बनाया था और ये चाहते थे कि इंडिया जो है उसके ऊपर कब्जा कर ले हम सब मिलके, यानी ब्रिटिश को वहां से निकाल दे। तो ये चीजों के पीछे अगर देखा गया तो ये जो लॉर्ड वेलेस्ली थे ये प्रयत्न कर रहे, ये बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे थे कि इस तरह का कोई भी चीज ना हो, और ये चीज करने के लिए उनको सिंध के साथ अच्छे रिलेशन बनाना जरूरी हो गया था। सिंध के साथ रिलेशन बनाना जरूरी इसीलिए था क्योंकि देखिए सबसे मेन बात यह है कि कोई भी अगर अटैक करेगा इंडिया पे सो सिंध से होते हुए आएगा। सिंध से होते हुए जब बाहर की पावर्स आएगी सो ये एरिया से क्यों नहीं, इसी एरिया का डर क्यों था, ये भी आपको बताने वाला हूं। तो फिलहाल इतना याद रखिए कि सिंध से होते हुए आएगा तो सिंध के दरवाजे आपको बंद करने पड़ेंगे। सो ये सब चीजें जो थी, ये चीजें ही ब्रिटिश को जो ये है वेलेस्ली उनको मजबूर कर रही थी कि वो सिंध के साथ अच्छे रिलेशन बनाए। सो बट जो ये सिंध था ये अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ टीपू सुल्तान आ गया। टीपू सुल्तान ने इनसे बात कर ली और टीपू सुल्तान के इन्फ्लुएंस में आ गया, और बाकी जो लोकल ट्रेडर्स थे उनको भी उन्होंने भी सिंध पे बहुत ज़्यादा प्रेशर डाला था कि नहीं आप ब्रिटिश के तरफ से नहीं जाओगे, आप जो भी रहोगे वो टीपू के साथ रहोगे या हम सब के साथ रहोगे जो एंटी ब्रिटिश है। तो एंटी ब्रिटिश पार्टी थी कुछ हैदराबाद की, हैदराबाद ये सिंध वाला हैदराबाद है, इधर वाला हैदराबाद नहीं, ये दूसरा हैदराबाद है। सो ये जो हैदराबाद है ये एंटी ब्रिटिश जितने भी लोग थे उन्होंने यहाँ पे इनको कुछ पैसे देके खरीद लिया था लोकल ट्रेडर्स को, और वो भी नहीं चाहते थे कि सिंध ये ब्रिटिश के पास चला जाए। सो यहाँ अगर देखोगे तो जो आमिर थे, अब इन लोगों का सुन के आमिर ने अक्टूबर 1800 में एक ऑर्डर निकाला और उन्होंने ये कहा कि ब्रिटिश के जो एजेंट्स है उन्होंने अभी के अभी 10 दिन के अंदर, आप लोग आए हैं हमें मनाने हमको पता चल रहा है, बट 10 दिन के अंदर आपको सिंध खाली करना है, ये हमारे ऑर्डर है, सिंध हमारा है और हम ऑर्डर दे रहे हैं कि ब्रिटिश अभी यहां से चले जाए। तो ब्रिटिश एक जो एजेंट आए थे क्रो वो बात करने वो सिंध से चले गए। ये काफी अपमानजनक बात थी, एक बहुत इंसल्ट था ब्रिटिश के लिए कि उनको सिंध से जाना पड़ा एक जो आमिर्स थे उनके कहने पे, क्योंकि आमिर्स उतने पावरफुल यहाँ दिख रहे थे क्योंकि टीपू सुल्तान का सपोर्ट था, फ्रेंच का सपोर्ट था, काफी लोगों का इनको सपोर्ट था, तो ब्रिटिश को जाना पड़ा यहाँ से, तो ब्रिटिश छोड़ के चले गए। अब ब्रिटिश गए तो ब्रिटिश ऐसे जाते तो नहीं थे, तो कुछ ना कुछ प्लान तो ब्रिटिश ने जरूर किया होगा। सो ब्रिटिश ने अभी एक ट्रीटी साइन करने की कोशिश की थी और जिसका नाम था ट्रीटी ऑफ इटरनल फ्रेंडशिप। अब ट्रीटी ऑफ इटरनल फ्रेंडशिप को थोड़ा सा स्टडी करते हैं। सो इन जून 1807 अलायंस ऑफ टिलसित, अब यहाँ पे मैं अब ये देखिए ये हिस्ट्री का आपका पार्ट नहीं है, टिलसित कौन थे, तो मैं आपको सिर्फ इतना बता दूं कि टिलसित जो थे ये रशिया के थे, टिलसित ये रशिया के थे। 1807 में टिलसित ने अलेक्जेंडर जो थे, अलेक्जेंडर आपको पता है अलेक्जेंडर कहाँ के रूलर थे, आप लिखेंगे कमेंट सेक्शन में कहाँ के रूलर थे। सो अलेक्जेंडर जो थे उनके साथ रशिया के जो टिलसित थे इन्होंने एक अलायंस बनाया, और ये अलायंस जो था ये नेपोलियन ने भी ज्वाइन किया, यानी यहाँ पे फ्रेंच भी आके मिल गए, रशिया भी आके मिल गया, और अलेक्जेंडर जहाँ के थे वो कंट्री भी आके मिल गए। सो ये लोगों की कंबाइंड फोर्सेस बन गई और इन्होंने चाहा कि हम इंडिया पे अटैक करेंगे। सो इंडिया पे जो अटैक करेंगे वो लैंड रूट के थ्रू करेंगे हम। सो लैंड रूट के थ्रू यहाँ पे अटैक होने वाला था इंडिया पे, और ये जो ब्रिटिश थे वो
रशिया और ब्रिटिश इंडिया के बीच में एक बैरियर बनाने चाहते थे ताकि रशियंस जो है उनको जगह ना मिले इंडिया में। रशियंस जो है वो आने के बहुत ज़्यादा चांसेस थे क्योंकि इंडिया अगर देखा गया सो रशिया से एक तरफ से रशिया को थोड़ा सा इजीली यहाँ से आ सकता था रशिया। सो रशिया को अगर आना है तो रशिया के लिए ये जगह थी, यहाँ से रशिया इंटर होने वाला था। सो इसीलिए सिंध जो है इसको पावरफुल बनाना ज़रूरी था। अब मैं आपको ये बता दूँ यहाँ पे कि ये लोग चाहते थे कि एक बैरियर बने ब्रिटिश इंडिया और रशिया के बीच में, और ये चीज़ के लिए लॉर्ड मिंटो ने 3 डेलीगेशंस भेजे थे कि अलायंस में आ जाए। कौन कौन सी जगह चाहते थे अलायंस में लाना? सो ये चाहते थे लाहौर अलायंस में आ जाए, काबुल अलायंस में आ जाए और तेहरान अलायंस में आ जाए। यानी अगर देखोगे तो पूरे गेट बंद हो जाएंगे। अगर यहाँ पे आप देखते हो तो ये पूरे गेट बंद करना चाहते थे ब्रिटिश, और ये अगर बंद हो गए तो आप एंटर कैसे करोगे इंडिया में? सो ये लोग एंटर नहीं कर पाएंगे अगर ये गेट बंद हो गया तो। इसीलिए ब्रिटिश चाहते थे कि इस तरह का कुछ हो जाए। अब इस तरह की जो भी चीज़ करना चाह रहे थे ब्रिटिश, उसके लिए अलायंस बनाना बहुत ज़रूरी था, ट्रीटी साइन करना बहुत ज़रूरी था। लाहौर में जिनको भेजा था उनका था मेटकाल्ब जो थे उनको लाहौर में भेजा गया, एल्फिनस्टन जो थे उनको काबुल में भेजा गया, और मैलकॉम जो थे इनको तेहरान में भेज दिया गया। सो इस तरह से 3 लोगों को 3 जगह लेके भेज दिया गया। आमिर्स जो थे उनके साथ काफ़ी नेगोशिएशन हुए, काफ़ी बातचीत हुई, काफ़ी चीज़ें लेना देना ये चीज़ें चलती रही, और फाइनली जो निकोल स्मिथ थे जो ये आमिर से बात करने आए थे ब्रिटिश की तरफ से, उनके ट्रीटी में एग्री हो गए और उन्होंने एक ट्रीटी साइन कर दी जिसका नाम था ट्रीटी ऑफ इटरनल फ्रेंडशिप। और आमिर्स ने फाइनली ब्रिटिश के साथ ट्रीटी साइन कर दी। ब्रिटिश के ऑफर भी अच्छे ही होंगे जब आमिर यहाँ पे साइन करते हैं ट्रीटी। तो सो ये सब चीज़ें हुई। तो ये ट्रीटी जो थी इसमें यह कहा गया कि दोनों साइड है ना, ट्रीटी ये जो दोनों साइड ने साइन की थी उन्होंने ये एग्री किया कि हम जो फ्रेंच है सिंध से उनको हम यहाँ पे बाहर कर देंगे अपने एरिया से, उनको जगह नहीं देंगे, और जितने भी एजेंट हैं हम दोनों के वो एक्सचेंज कर लेंगे अपने अपने कोर्ट में। यानी आपका कोई एजेंट आके हमारे कोर्ट में रुकेगा और हमारा कोई एजेंट आके आपके कोर्ट में रुकेगा ताकि अपने रिलेशंस जो है वो अच्छे बने रहें। सो यहाँ पे एक और ट्रीटी साइन कर दी गई थी जिसका नाम था ट्रीटी ऑफ इटरनल फ्रेंडशिप। दिस ट्रीटी वॉज साइन बिटवीन आमिर्स एंड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। सो ब्रिटिश ने यहाँ पे साइन कर दी, और ये साइन होने के बाद धीरे धीरे 1820 की बात है जब ब्रिटिश ने अपना जब कमांड ज़्यादा पावरफुल बना लिया था इंडिया में, तो ब्रिटिश ने इस ट्रीटी को आके रिन्यू किया था क्योंकि अब अमेरिकन्स के भी आने के खतरा बढ़ चुका था इंडिया में। तो उन्होंने ये भी कहा कि हम लोग अमेरिकन्स को इंडिया में जगह नहीं देंगे, उसके साथ साथ जो भी बॉर्डर डिस्प्यूट है यानी कच्छ के साइड से वो हम सॉल्व कर लेंगे। यानी अभी देखिए मराठा जो है ये तो हार चुका है, मराठा का काफ़ी बड़ा रीजन है, इसको किस तरह से बांटना है, इधर का जो मराठा का रीजन आता है ना इसमें से कितना आपको देना है कितना नहीं, ये सब हम डिसाइड कर लेंगे कितना हमारा रहेगा कितना आपका रहेगा। तो एक ट्रीटी बना लेते हैं। सो ब्रिटिश इस तरह से लालच देते रहते थे, और ब्रिटिश ने ट्रीटी एक साइन कर ली थी यहाँ पे आमिर के साथ। तो आमिर के साथ इस ट्रीटी के थ्रू 1820 में इसको और भी रिन्यू कर दिया गया था इस ट्रीटी को। तो इसको कहा जाता है ट्रीटी ऑफ इटरनल फ्रेंडशिप, जो इस एरिया से आने वाले शत्रुओं को रोक सकता था, ब्रिटिश के शत्रुओं को या आने वाले इन्वेडर्स को रोक सकता था जो इंडिया में आने वाले थे। सो ये जो है ये अगर आप देखोगे तो ये क्यों ये डर था, तो ये मैं आपको बता चुका हूँ कि टिलसित, अलेक्जेंडर और नेपोलियन ये 3 लोग मिलके आने वाले थे इंडिया में, तो इसीलिए ब्रिटिश ने ट्रीटी साइन की थी जिसका नाम है ट्रीटी ऑफ इटरनल फ्रेंडशिप। उसके बाद अगली ट्रीटी देखते हैं जिसका नाम है ट्रीटी ऑफ 1832। ट्रीटी ऑफ 1832 जो थी इट वॉज साइन बाय ब्रिटिश इन ईयर 1832। 1832 में अगर आप देखोगे तो विलियम बेंटिक ने कर्नल पॉटिंगर करके जो है उनको यहाँ पे पॉटिंगर को सिंध में भेजा था एक ट्रीटी साइन करने को आमिर्स के साथ, और ये ट्रीटी साइन कर दी गई थी। ये ट्रीटी के में क्या क्या प्रोविजंस थे ये अभी हम देख लेते हैं। सबसे पहले यानी आपको समझ जाएगा कि सिंध के ऊपर ब्रिटिश किस तरह से कॉन्क्वेस्ट कर रहे हैं, किस तरह से कब्जा कर रहे हैं हम ये देख रहे हैं। सो यहाँ पे देखिए प्रोविजंस क्या थे। सबसे पहले जो है फ्री पैसेज थ्रू सिंध वुड बी अलाउड टू इंग्लिश ट्रेडर्स एंड ट्रैवलर्स, है ना। तो यहाँ सिंध के थ्रू कभी भी हमारे ट्रैवलर जो है वो आना जाना कर सकते हैं इंडिया में, ये आपको फ्रीली उनको आने देना पड़ेगा। सो ये पहला जो है ये प्रोविजन था इसका। और जितने भी इंडस है, इंडस जो सिंध से बहती है वहां पे इंडस रिवर पे हम लोगों को, आपको मैप बुक लेके बैठना है जैसे मैंने इंडस का, आपको इंडस देखना है मैप में, और जो इंडस है वहां पे आप लोगों ने हमको उस रिवर को यूज करने देना चाहिए फॉर ट्रेडिंग पर्पस। हम वहां से व्यापार करना चाहते हैं, हमारी शिप्स आएंगी। ये बात अलग है कि वॉर शिप्स वहां से अलाउ नहीं करेंगे हम, या फिर कोई भी वॉर मटेरियल नहीं आएगा, तो इसके लिए टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, हम सिर्फ व्यापार के लिए ट्रीटी करना चाहते। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा, ये देखिए ठीक है, तो यहाँ फ्री पैसेज चाहते थे सिंध से। दूसरी बात ये थी कि नो इंग्लिश मर्चेंट वुड सेटल डाउन इन सिंध,
ओके सो हम लोग आना जाना करेंगे यहाँ से, बट हम एक गारंटी देते हैं कि यहाँ कोई सेटल डाउन नहीं होगा जिससे आपको धोखा होगा. सो ये भी आपको डरने की ज़रूरत नहीं है. और अगर यहाँ से ट्रैवल भी करना है तो हम पासपोर्ट्स भी देंगे उन लोगों को. उस पासपोर्ट से पता चलेगा कि वो हमारा भेजा हुआ ही ट्रैवलर है, वो कोई और नहीं है, या आपको कोई उससे खतरा नहीं होगा. तो ये पासपोर्ट भी दिए जाएंगे आपको ट्रैवलर्स को उनको, और ये पासपोर्ट दिखा के ही आपका एरिया क्रॉस करेंगे. उसके बाद जितने भी टैरिफ रेट्स हैं वो अल्टर करने पड़ेंगे. आप जितना चाहे उतना आप अल्टर कीजिएगा. अगर हमको लगता है कि हाँ आने जाने का जो चार्जेस है टैरिफ रेट्स वो अगर ज़्यादा हमको लग रहा है तो आप हम कहेंगे आप अल्टर कीजिए, बट आप अपने हिसाब से उसको रखेंगे, हम उस पर आपको फोर्स नहीं करेंगे. जितना आप अल्टर करना चाहे कर सकते हैं. उसके अलावा मिलिट्री ड्यूज हमसे नहीं लिए जाएंगे. जितने भी हमारी मिलिट्रीज आ रही है, जितनी भी टोल्स है, ये सब हमसे नहीं लेंगे. आप लोग हमको उस तरह से जाने देंगे. सो टैरिफ जितना आपको लगता है आप उतना ले लीजिए, बट ये सब चीज़ें टोल्स और ये सब कलेक्ट नहीं करना है आपको इस रीजन से. तो पहले आप टैरिफ डिसाइड कर लीजिए, हम हर बार आपको टोल नहीं देंगे. सो इस तरह से ब्रिटिश ने कहा. आमिर जो थे उनको ये भी कहा गया कि एक राजा जो है जोधपुर के, उनके साथ आप काम कीजिए मिलके. आप दोनों दुश्मन करके एक दूसरे के साथ काम मत कीजिए. जो एरिया हम आपको दे रहे हैं राजस्थान का, जो भी एरिया होगा यहाँ पे, आप कच्छ का एरिया या जितना भी आपको एरिया दिया जा रहा होगा ब्रिटिश की तरफ से, ये जितना एरिया है इसमें आप सब मिलके काम कीजिए. ऐसा नहीं है कि आप अलग अलग काम कीजिए. यहाँ पे आप देखोगे तो मैप पे आपको कच्छ का एरिया कौन सा देखना इधर आएगा. सो कच्छ का जो एरिया है उस पर दोनों मिलके काम कीजिए, और कच्छ में जितने भी रॉबर्स हैं उनको दोनों मिलके आप उनको रोकने की कोशिश कीजिए, वहाँ के रॉबर्स को. यानी वहाँ पे कैसा है कि लूटना ज़्यादा चलता था कच्छ के साइड उस वक्त. तो राजा ऑफ जोधपुर ब्रिटिश के तरफ से काम करने के लिए रेडी थे. सो आमिर और राजा ऑफ जोधपुर दोनों साथ में काम करेंगे. यानी देखिए ब्रिटिश को उतना टेंशन नहीं रहेगा. अब ये सब चीज़ें जब होने लगी तो ये इस तरह से एक ट्रीटी साइन कर ली, और फिर से ब्रिटिश वहाँ पे अपनी पावरफुल कमांड बनाना शुरू कर दिए थे. उसके बाद लॉर्ड ऑकलैंड आए. लॉर्ड ऑकलैंड जो आए, अब उनके टाइम देखते हैं कि सिंध का क्या हाल होना शुरू हुआ. लॉर्ड ऑकलैंड आते हैं. लॉर्ड ऑकलैंड जो थे ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, जो यहाँ पे आए थे. वो चाहते थे कि सिंध और अफगानिस्तान जो है वो हमारे अंडर आ जाए, हमारे इन्फ्लुएंस में आ जाए. अब सिंध आएगा और अफगानिस्तान इधर आएगा. सो सिंध और अफगानिस्तान का जो रीजन है ये अगर हमारे अंडर आ जाता है सो उसके कारण क्या होगा कि अब फॉर एग्जाम्पल मैं तो आपको दिखा दे रहा हूँ, पर आपको भी अपने मैप बुक्स में देखना है. तो ये जो अफगानिस्तान का रीजन है, ये रीजन को भी ब्रिटिश चाहते थे कि अपने अंडर कर ले. अब अगर ये रीजन अपने उनके अंडर हो जाता है तो यहाँ पे कैसा होगा कि यहाँ से फॉरेन के जो इन्वेडर्स है वो इंडिया में आने के पहले उनको अफगानिस्तान को फेस करना पड़ेगा. सो अफगानिस्तान तक अगर आपको पहुँचना है तो सबसे पहले आपको सिंध जीतना पड़ेगा. सिंध से आप अफगानिस्तान पर अटैक करके अफगानिस्तान जीत सकते हो. तो ये चाहते थे. तो फर्स्ट स्टेप ये थी अफगानिस्तान जीतने की ब्रिटिश की, कि आपको. और इसी तरह हम रशियन का इन्वेजन यहाँ से बचा सकते हैं, क्योंकि मैंने कहा था कि जितने भी इन्वेडर आएंगे वो इसी एरिया से आएंगे, इसी रीजन से आएंगे. तो यहाँ रशियन से हम बचा सकते हैं खुद को. इस तरह से ये पता चलता है कि ब्रिटिश का ये व्यू था कि फर्स्ट स्टेप जो है वो अफगानिस्तान जीतने की वो है कि सिंध को जीतो. उसके बाद बाकी जो रीजन थे इसका डर बहुत ज़्यादा नहीं था उनके अंडर, क्योंकि ये जो रीजन आपको दिख रहा है ये रीजन पे जो रूलर थे उनका नाम था रंजीत सिंह. जो राजा रंजीत सिंह थे वो काफ़ी स्ट्रांग थे और उन पे भरोसा कर सकते थे ब्रिटिश कि रंजीत सिंह इन पंजाब वॉज स्ट्रांग इनफ टू रेजिस्ट द कोअर्शन इन दिस रिगार्ड. बट आमिर्स नहीं कर सकते थे, ये भी पता था ब्रिटिश को. सो रंजीत सिंह तो उतने पावरफुल थे ही, फिर भी आगे क्यों जरूरत पड़ी ब्रिटिश को उनको हराने की, ये भी हम देखते हैं. सो यहाँ पे आप अगर ये देखोगे तो इस तरह से ब्रिटिश ये जीतना चाहते थे अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान जीत के वो रशिया से खुद को सेफ रखना चाहते थे. इसी कारण वो सिंध को जीतना चाह रहे थे पहली स्टेप करके. सो यहाँ पे आप देखते हैं कि राजा रंजीत सिंह जो थे उस वक्त पंजाब में थे. रंजीत सिंह ने एक टाइम पे क्या किया, तो रंजीत सिंह जो थे उन्होंने सिंध पे अटैक कर लिया और सिंध के जो टाउन थे वो जीत लिए. सिंध के जो उनके बॉर्डर पे लग के जितने भी जगह थी ये जीतना शुरू कर दिया रंजीत सिंह ने. अब सिंध के जो लोग थे आमिर्स वो इतने पावरफुल नहीं थे कि वो रंजीत सिंह के अटैक को बचा पाए, और ये चीज़ ने ब्रिटिश को एक तरह से अपॉर्चुनिटी दे दी टू इंटरफियर इन सिंध. क्योंकि सिंध ये डरा हुआ था रंजीत सिंह के अटैक से, और यहाँ पे रंजीत सिंह से बचना चाहता था. ब्रिटिश ने ऑफर किया आमिर्स को कि देखिए हमारे साथ एक ट्रीटी साइन कीजिए, हम आपको प्रोटेक्शन देंगे फ्रॉम रंजीत सिंह, आपको रंजीत सिंह से प्रोटेक्शन दी जाएगी. अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक कंडीशन ये थी कि जो कंपनी के ट्रूप है उनको, कंपनी के जितने भी ट्रूप रहेंगे उनको आपको यहाँ पे तैनात करना पड़ेगा सिंध में. तो कंपनी के जितने भी ट्रूप रहेंगे, जितनी भी आर्मी रहेगी वो सिंध पे आके रुकेगी, और सिंध पे आके रुकने के बाद ये आर्मी आपको प्रोटेक्ट करने का काम करेगी फ्रॉम रंजीत सिंह. सो रंजीत सिंह से आपको प्रोटेक्ट कर दिया जाएगा जो पंजाब के रूलर थे. तो ये एक कंडीशन रखी गई थी. बट ये जो ट्रूप आके रुकेगी इसका जो
खर्चा है ये कौन उठाएगा. सो जितना भी खर्चा आएगा वो आमिर जो है वो खुद उठाएंगे. जो आमिर जो है वो खुद यहाँ के खर्चे उठाने वाले थे. तो आप यहाँ पे देखोगे तो कंडीशन इज दैट द कंपनी ट्रूप्स वुड बी केप्ट इन कैपिटल एट द आमिर्स एक्सपेंस और अल्टरनेटिवली या फिर ब्रिटिश ने एक और ऑफर दी थी कि हाँ ठीक है आप आर्मी मत चलाए बट हमको कुछ पैसे दे दीजिए जिससे हम वो आर्मी को मेंटेन करेंगे. तो इस तरह से कुछ ऑफर्स रखी गई थी और ये एक मजबूरी थी आमिर की कि आमिर्स की कि उनको यहाँ पे ट्रीटी साइन करना पड़ रहा था बिकॉज रंजीत सिंह जो थे ही वॉज मोर पावरफुल देन आमिर्स. सो इट फोर्स्ड देम टू साइन अ ट्रीटी विथ इंग्लिश. सो इंग्लिश के साथ जब ट्रीटी साइन कर दी गई तो आमिर जो है उन्होंने पहले तो रिफ्यूज किया था साइन करने से बट उन्होंने 1838 में एग्री कर दिया जब पॉसिबिलिटी ये बढ़ चुकी थी कि हम तो नहीं ले रहे किसी से मदद बट जो रंजीत सिंह है राजा रंजीत सिंह वो जरूर किसी ना किसी से मदद ले सकते हैं जो यूरोप के रहेंगे. सो ये सब चीजें यहाँ पे दिख रही थी जब तब ये ट्रीटी साइन करने का निर्णय ले लिया गया एक डिसीजन ले लिया गया और सिंध जो है ये ब्रिटिश का प्रोटेक्टोरेट बन गया इनसे 1838. सो अब ब्रिटिश यहाँ पे अपनी आर्मी रख सकते थे और ब्रिटिश सिंध पे अपनी आर्मी रख के प्रोटेक्ट कर सकते थे. सिंध को तो प्रोटेक्ट करना ही अलग बात थी ब्रिटिश खुद के एम्पायर को प्रोटेक्ट करना यहाँ पे चाह रहे थे. ओके सो ये जो ट्रीटी थी ये थी लॉर्ड ऑकलैंड ने की हुई एक ट्रीटी जो सिंध के साथ की थी. तो लॉर्ड ऑकलैंड तो इंटर हो चुके थे सिंध में उसके बाद एक ट्राइपार्टाइट ट्रीटी साइन कर दी गई. ट्राइपार्टाइट का मीनिंग होता है जो ट्रीटी तीन लोगों के बीच में साइन कर दी जाती है उसको ट्राइपार्टाइट ट्रीटी कहा जाता है और ये ट्रीटी साइन की थी 1838 में. सो इट वॉज साइन बिटवीन रंजीत सिंह शाह शुजा एंड लॉर्ड ऑकलैंड. लॉर्ड ऑकलैंड ने इनको साइन किया था इन 1838 विद रंजीत सिंह एंड शाह शुजा. आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है कि शाह शुजा जो है ये कहाँ के रूलर थे. ओके सो ये तीनों के बीच में ट्राइपार्टाइट ट्रीटी साइन कर दी गई. जो ट्राइपार्टाइट ट्रीटी जो थी उसका ये एक तरह से कंडीशन थी कि जब जरूरत पड़ेगी सो हम सब एक दूसरे की मदद करेंगे. ब्रिटिश जानते थे कि उनको हेल्प की जरूरत पड़ सकती है रंजीत सिंह की क्योंकि ये एरिया से जब अटैक हो गया तो रंजीत सिंह अगर उनके साथ है या फिर जो शाह शुजा है ये मैं आपको बता देता हूँ कि एम्परर थे इंडिया के एम्परर थे. सो ये एम्परर जो थे शाह शुजा अगर ये पूरे इंडिया के एम्परर हमारे साथ है तो हमारी हेल्प होगी और बाहर से आने वाले जितने भी फॉरेन के इन्वेडर्स हैं उनको यहाँ रोक दिया जाएगा. तो रंजीत सिंह की मदद लेने की ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ रही थी इसलिए इन तीनों के साथ साइन कर दी गई थी ट्राइपार्टाइट ट्रीटी. ट्राइपार्टाइट ट्रीटी साइन होने के बाद अब सिंध की बारी आ चुकी थी कि सिंध में आपकी आर्मी आके रुक चुकी थी सिंध मेंटेनेंस कर रहा था आपके आर्मी का. तो फाइनली ये बारी आ चुकी थी कि सिंध को सब्सिडियरी अलायंस में लिया जाए. सब्सिडियरी अलायंस क्या होता है ये मैं आपको बता चुका हूँ मेरे प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में. तो आपको अगर आपने वो वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो उसे ओपन कर ले और उसे देख ले एक बार और फिर आपको सब्सिडियरी अलायंस का नॉलेज आ जाएगा. मैंने आपको उस वीडियो में ये भी बताया था कि सब्सिडियरी अलायंस आपको देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि आगे हमको सब्सिडियरी अलायंस हर एक टॉपिक में आने ही वाला है जितने वॉर हम पढ़ेंगे. सो यहाँ पे सब्सिडियरी अलायंस साइन कर दिया गया विद सिंध इन ईयर 1838 एंड इट वाज साइंड बाय लॉर्ड ऑकलैंड विथ सिंध. सो ये सब हो गया अब सब्सिडियरी अलायंस भी साइन हो गया. उसके बाद देखते क्या हुआ उसके बाद शुरू होता है कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध. सो फाइनली हम बढ़ रहे हैं कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध की तरफ. अब सब्सिडियरी अलायंस जब साइन हो चुका था तो ये बारी आ चुकी थी कि अब सिंध ब्रिटिश जीतने वाले थे. सो द फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर अब यहाँ पे जब उनको मिल गया सब्सिडियरी अलायंस जब यहाँ पे साइन कर दिया गया सब्सिडियरी अलायंस तो यहाँ पे आके रुक चुकी थी ब्रिटिश की आर्मी और यहाँ पे वो जो स्टेप थी जो उन्होंने सोचा था कि सिंध को जीत के हम अफगानिस्तान को जीतेंगे वो बारी अब आ चुकी थी. अब अफगानिस्तान पे अटैक करने को ब्रिटिश रेडी थे एंड फाइनली द फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर वॉज फॉट ऑन द सॉइल ऑफ सिंध. सिंध के ही मिट्टी पे सिंध के ही सॉइल पे लड़ा गया था ये वॉर इन द ईयर 1839 एंड इट वॉज एंडेड इन ईयर 1842. So it was fought between 39 to 42 on the soil of Sindh. एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो आमिर थे आमिर ने यहाँ पे आर्मी को बहुत सपोर्ट किया था ब्रिटिश के देखेंगे हम तो और मेंटेनेंस भी आमिर ही कर रहे थे. सो यहाँ एक चीज़ देखेंगे कि आमिर्स को ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी कि यहाँ पे अफगान लोगों के साथ वॉर किया जा रहा है जिसमें हमारी जो करने की इच्छा भी नहीं है. सो ये इच्छा भी नहीं थी और वो ये भी नहीं उनको पसंद आ रहा था धीरे धीरे कि जो ब्रिटिश ट्रूप आके रुके हमारे रीजन में और हमको अपने हिसाब से काम नहीं करने दिया जा रहा है. देखिए आपको भी नॉर्मली आपके भी अगर जगह पे किसी बाहर के इंसान के ट्रूप्स बाहर के कंट्री के ट्रूप आके रुके सो आपको भी वो पसंद नहीं आएगा. उस तरह से आमिर्स को भी ये चीज़ पसंद नहीं आ रही थी. सो आमिर्स ने
आमिर्स को जब ये चीज पसंद नहीं आ रही थी तो ब्रिटिश को ये समझ रहा था कि आमिर्स कभी भी हमारे खिलाफ जा सकते हैं, तो आमिर्स बाकी किसी की हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि आमिर्स को धीरे धीरे हमारा जो इंटरफेरेंस है वो पसंद नहीं आ रहा है, और यहाँ पे एंग्लो अफगान वॉर भी लड़ा गया है, सो अब बारी आ चुकी है कि आमिर्स को हमको जीतना पड़ेगा। ब्रिटिश ने आमिर्स पे चार्ज लगाना शुरू किया, आमिर्स को खत्म करने के लिए उनको कुछ ना कुछ तो बहाने बनाना पड़ेगा, तो उन्होंने आमिर्स पे चार्ज लगाया। उन्होंने ये कहा कि वहाँ पे ट्रीजनेबल एक्टिविटीज हो रही है ब्रिटिश के अगेंस्ट, ट्रीजनेबल एक्टिविटीज को आप कह सकते हैं कि यहाँ पे हमको ओवरथ्रो करने की कोशिश कर रहे हैं, जो आमिर से वो हमको यहाँ से निकालने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि हमारे साथ तो उन्होंने ट्रीटी साइन कर दी कि हमारे खिलाफ जाने की कोशिश कर रहे हैं, और ये लगा दिया उन्होंने आमिर पे एक इल्ज़ाम। ये इल्ज़ाम लगाने के बाद इन 1842 की बात है, जब ये वॉर ख़त्म हो गया, तुरंत एलनबर्ग जो थे, एलनबर्ग ने यहाँ पे जो गवर्नर जनरल थे, उन्होंने चार्ल्स नेपियर को यहाँ पे ब्रिटिश रेसिडेंट करके सिंध में भेजा। चार्ल्स नेपियर जो थे उनको काफ़ी सारी चीज़ें बता के भेजा गया था। चार्ल्स नेपियर ने आते बराबर 1843 में अटैक कर दिया इमामगढ़ के फोर्ट पे, जो कि आप देखोगे तो रेगिस्तान में आता था। इमामगढ़ के फोर्ट पे जब अटैक कर दिया गया बाय चार्ल्स नेपियर, सो विदाउट एनी रीजन दे अटैक्ड आमिर्स, दे अटैक देयर फोर्ट। उन्होंने सिर्फ ये कहे कि आमिर जो है ये ट्रीजनेबल एक्टिविटीज कर रहे, तो उन्होंने उनके फोर्ट पे अटैक कर दिया और फोर्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया चार्ल्स नेपियर ने, और यहाँ पे कोई रीजन नहीं थे, और उनको मजबूर कर दिया गया आमिर्स को या फिर सिंध को कि वो लोग यहाँ पे वॉर में पार्टिसिपेट करें, हमारे खिलाफ वॉर लड़े, और इसीलिए ब्रिटिश को भी अटैक करना पड़ा। आमिर्स जो है या सिंध जो है उनको ब्रिटिश के रेसिडेंसी पे अटैक करना पड़ा। जो ब्रिटिश के जो ट्रूप्स थे, जो ब्रिटिश के लोग रुके हुए, जो ब्रिटिश के ट्रूप्स थे, ऑफिसर्स थे, ऑफिसेस थे, उन पर अटैक करना पड़ा आखिरकार सिंध को, जो सिंध में बनाए थे ब्रिटिश ने, और सिंध ने जब अटैक किया उस पर, तो यहाँ से शुरुआत हो गई वॉर की। तो जबरदस्ती का एक वॉर यहाँ पे शुरू कर दिया था ब्रिटिश ने, और एज अ रिजल्ट एक ही आने वाला था, ब्रिटिश सिंध को तो कभी भी हरा सकते थे। सिंध जो रंजीत सिंह से डरते थे, वो सिंध में इतना तो, यहाँ पे आप देखोगे तो वहाँ पे आमिर जो थे उनका उतना तो लेवल, उतना ज़्यादा पावर तो नहीं था कि वो ब्रिटिश को हरा सकते थे। सो ये कारण था कि जिसके कारण वो हार गए। हारने के बाद इन 1843 गवर्नर जनरल एलनबर्ग के अंडर जो सिंध था, अंडर द गवर्नर जनरल ऑफ एलनबर्ग, गवर्नर जनरल एलनबर्ग, सिंध वॉज मर्ज्ड इनटू ब्रिटिश एम्पायर। ब्रिटिश एम्पायर में उसको डाल दिया गया फाइनली सिंध को, और चार्ल्स नेपियर जो थे उनको पहला गवर्नर बना दिया गया सिंध का। सो हु वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ सिंध, ये क्वेश्चन आता है, तो चार्ल्स नेपियर। तो चार्ल्स नेपियर बन गए यहाँ के गवर्नर, और विदाउट एनी रीजन सिंध को एक वॉर में खींच लिया गया, और उनको उस वॉर में हरा दिया गया, और सिंध को ज़बरदस्ती जीत लिया गया। इस तरह से ब्रिटिश ने फाइनली जो ये जो गेट थे यहाँ के जितने भी एरियाज थे, इसको जीत के इस एरिया को सेफ कर लिया। बाकी जो चीज़ें थी ये अभी आप देखोगे तो ये तो हाँ, जो रंजीत सिंह थे उनके पास थी। तो अगले जो हम वॉर देखने वाले उसमें ब्रिटिश ये जीतने वाले। सो अगले वीडियो में जो हम पढ़ने वाले हैं वो है एंग्लो सिख वॉर, और अभी जो हमने पढ़ा जिससे ब्रिटिश को हासिल हुआ है ये जो सिंध का एरिया है ये, सो ये इसको कहा जाता है कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध। सो वीडियो खत्म करने के लिए आपको बता दूं कि चार्ल्स नेपियर कहते हैं आई हैव सिंड, तो वो कहते हैं कि आई हैव सिंड। उन्होंने इसका दो मीनिंग निकाला है चार्ल्स नेपियर ने। यहाँ पे एक लेटर में उन्होंने लिखा है, उसमें एनी जो है उन्होंने ब्रैकेट में लिखा है, उन्होंने ये लिखा कि मेरे पास सिंध है और मेरे पास पाप भी है। सो सिंध यानी मैंने पाप किया है, और सिंध यानी मेरे पास सिंध भी है। सो इस तरह से वो कहते हैं कि इसीलिए कहते हैं वो कि मैंने कुछ पाप किया है, क्योंकि जहाँ पे लोगों का कोई दोष नहीं था वहाँ पे उनको ज़बरदस्ती एक वॉर में खींचा गया और ज़बरदस्ती सिंध जीत लिया गया। इस तरह से अभी अगर आप मैप देखोगे तो ब्रिटिश के पास, अभी हमने जितनी चीज़ें स्टडी की उसके दौरान आप देख रहे हैं कि ब्रिटिश के पास अवध है, बंगाल है, ब्रिटिश के पास मराठा का पूरा एम्पायर है, ब्रिटिश के पास निज़ाम है क्योंकि ब्रिटिश ने उनके साथ सब्सिडियरी लाइन साइन कर दिया गया, ब्रिटिश के पास मैसूर है क्योंकि उनके साथ भी साइन कर लिया गया था यहाँ पे सब्सिडियरी लाइन्स। और यहाँ अगर आप देखोगे तो अगले वॉर में हमको देखना है कि ये चीज़ें ब्रिटिश को किस तरह से मिली। सो इस तरह से पूरा इंडिया ब्रिटिश जीतने वाले थे, धीरे धीरे करके जीतेंगे। सो आपको अभी ये पता चल चुका है कि किस तरह से पूरा ब्रिटिश जो है ये उस पर कैप्चर कर लेते हैं, और ये जो पोर्शन है ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट पोर्शन है, क्योंकि देखिए कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध जो है ये जानना इसीलिए आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप खुद से जब इसको पढ़ते हो तो ये चैप्टर थोड़ा सा आपको बोरिंग लगता है, एंड यू फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू रीड इट बाय योर सेल्फ। सो आपको ये वीडियो देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो इस वीडियो को जितना जब तक समझते नहीं उतने बार उसको देखते रहिए और इसको समझने की कोशिश कीजिए, या फिर वीडियो देखिए और उसके बाद अपने बुक्स में इस टॉपिक को पढ़िए, तो आपको ये ईजी जाएगा ये टॉपिक कवर करना।
सो मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ, एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, मैं उसमें ये बताना चाहता हूँ। देखिए ये जो टॉपिक्स है इसमें, ये एक टॉपिक यहाँ पे आपको जो दिख रहा है वो है राजपूत एंड चार्ट स्टेट। तो ये आपको अभी फिलहाल पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये जब मैं आपको मिडिवल इंडिया पढ़ाऊंगा तो उसमें मैं आपको ये टॉपिक कवर कर दूंगा। इसलिए मैं डायरेक्टली यहाँ पे कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध को स्टार्ट किया हूँ। सो मैंने जब ये थोड़ा सा एनालाइज किया तो मुझे ये पता चला कि इसको मैं आपको शॉर्ट में बताने से अच्छा जो मिडिवल है उसमें आप इसको डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि ये मिडिवल का पोर्शन बनता है राजपूत। सो इसको हम डिटेल में पढ़ने वाले इस टॉपिक को मिडिवल इंडिया का जब हम लेक्चर शुरू करेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध। अब ब्रिटिश को सिंध मिल चुका है और आपको भी अगर मेरा लेक्चर पसंद आ चुका है सो आप उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को। एक अब्दुल कलाम सर का एक थॉट है, उसके साथ मैं लेक्चर खत्म करूंगा। और वो थॉट ऐसा है, इफ यू वांट टू शाइन लाइक अ सन फर्स्ट बर्न लाइक अ सन। अगर आप सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो सूरज की तरह जलना सीखो। आपको जलना होगा, आपको मेहनत करना होगा। मेरे फेसबुक पेजेस को फॉलो कीजिए, श्रेयस बड़ी और श्रेयस बड़ी इंटरप्रिटेशन को मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। आप मुझे, ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है यहाँ जो दिया, श्रेयस बड़ी द पीस लवर। आप मुझे मेल भी कर सकते हैं shreyasbadi@gmail.com पे। Thanks for watching. Have a good day and take care.